अक्षय कुमार आज बॉलीवुड में एक लोकप्रिय अभिनेता हैं। उन्होंने बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स पढ़ाया। अपने करिश्मे और शानदार काया के अलावा उन्होंने मॉडलिंग की और बॉलीवुड में अपना बड़ा ब्रेक हासिल किया। वह किसी एक जॉनर से चिपके नहीं रहते। वह बी टाउन के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं, जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और हास्य खेलने में सक्षम हैं। लेकिन उनका हास्य कौशल असाधारण है और उन्होंने बॉलीवुड को कई यादगार कॉमेडी दी है। फेरी वर्ष 2000 की लोकप्रिय फिल्म हेरा फेरी थी। कास्ट और डायलॉग सभी हिट रहे। फिल्म का सीक्वल 2006 में रिलीज किया गया था, लेकिन यह पहले की तरह ही चर्चा पैदा करने में असफल रहा। नया 9 दिन पुराना 100 दिन वेलकम अगेन अक्षय के पास अपनी एक बहन के लिए कुछ है। फिल्म एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जिसे देखकर आप हंसते हंसते थक जाते हैं। भुलैया यह एक मजेदार डरावनी फिल्म थी। एक जोड़ा पुश्तैनी घर में रात बिताता है और अजीब चीजें होती हैं। अक्षय ने अपनी हरकतों से फिल्म को बचा लिया। बेबी कहानी तीन कुंवारे लोगों का अनुसरण करती है जो अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाते हैं। एक सुबह एक बच्चा उनके दरवाजे पर आता है, यह दावा करता है कि उनमें से एक उसका पिता है। तो शिकार और हंसी शुरू होती है। हाउसफुल साजिद नाडियाडवाला की हाउसफुल सीरीज हिट है। फिल्म एक स्मैश हिट थी और दो और रिलीज हुई। जैसा कि हाउसफुल 3 में है, अक्षय अपने प्रत्येक पात्र को एक सुखद हास्य तत्व देते हैं। मसाला यह जॉन अब्राहम के साथ उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। अक्षय 3 गर्लफ्रेंडर्स के साथ फोटोग्राफर है। इस फिल्म की प्रफुल्लित करने वाली टाइमिंग और बेहतरीन कहानी इसे हिट बनाती है। जब अक्षय पर्दे पर होते हैं तो भीड़ उनसे दूर नहीं देख सकती। यही अभिनेता का आकर्षण है। हमें कॉमेंट करके बताएं। यह वीडियो आपकी कैसी लगी। धन्यवाद।